हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यहाँ पे सभी लोग बहुत ही बढ़िया रहोगे। एंड गाइस, पिछले कुछ टाइम से ना हम हैंड प्रोजेक्टर्स की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, जैसे कि वैम्बो प्रोजेक्टर हो गया जिसकी प्राइसिंग थी लगभग 30,000 रुपये, फिर BenQ के प्रोजेक्टर की थी जिसकी प्राइसिंग लगभग 55,000 थी। एंड बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे यार बजट प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग करो। सो गाइस, फाइनली द वेट इज ओवर, जहाँ पे हमारे पास है Wzatco कंपनी का पिक्सल प्रोजेक्टर जिसकी प्राइसिंग है 6,990 रुपीज़। वैसे गाइज मैं बता दूं ये एक नॉन स्मार्ट प्रोजेक्टर है, बट फिर भी गाइज यहाँ पे आपको 720p का नेटिव रेजोल्यूशन देखने मिलता है। प्लस यहाँ पे उन्होंने LTPS डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज की है जो हैंड प्रोजेक्टर्स में आपको देखने मिलते हैं। बिल्ट इन स्पीकर भी आपको देखने मिलता है। एंड गाइज एट द सेम टाइम जितने प्रोज है ना, कुछ कॉन्स भी आपको इसके अंदर देखने मिलते हैं। सारी चीजों के बारे में इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हो टेक अनबॉक्सिंग चैनल पे, तो गाइस क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारे चैनल पे ढेर सारा ऐसा यूनिक कंटेंट आते रहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। एंड गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे बॉक्स कंटेंट्स को। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने मिलता है। नीचे की तरफ यहाँ पे उन्होंने फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए। एंड जैसे आप इसे अनबॉक्स करते हो ना, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक QR कोड देखने मिलता है इसके यूजर मैनुअल को डाउनलोड करने के लिए, उसी के साथ एक वारंटी कार्ड जो आपको 1 साल का देखने मिलता है। फिर गाइस नीचे के कंपार्टमेंट में यहाँ पे वो एक्चुअल प्रोजेक्टर इनिशियल फर्स्ट इंप्रेशंस बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट फील होता है एंड बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। फिर गाइस दूसरे कंपार्टमेंट में यहाँ पे आपको इसका रिमोट कंट्रोल देखने मिलता है विद AAA बैटरीज। फिर गाइस यहाँ पे आपको इसका पावर अडाप्टर देखने मिलता है, उसी के साथ यहाँ पे उन्होंने HDMI to HDMI केबल भी प्रोवाइड किया। एंड फाइनली यहाँ पे आपको AV केबल भी देखने मिलती है। सो वैसे ये है वो एक्चुअल प्रोजेक्टर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में आपको ये देखने मिलता है, जहाँ पे उन्होंने व्हाइट कलर में इसे प्रोवाइड किया। एंड यहाँ पे आपको ना सरफेस ग्लॉसी फिनिशिंग में देखने मिलता है। वेट को लेके अगर मैं बात करूँ तो रफली 900 ग्राम्स का इसका टोटल वेट निकल के आता है। एंड प्रोजेक्टर के राइट हैंड साइड पे यहाँ पे उन्होंने स्पीकर ग्रिल प्रोवाइड किया है। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको मेश देखने मिलता है जहाँ से हीट डेसिपेट होता है। एंड प्रोजेक्टर के ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको नेविगेशन बटन्स देखने मिलते हैं, जहाँ पे आप वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन कर सकते हो। बैक बटन आपको देखने मिलता है, एंटर बटन, फिर यहाँ पे मेन मेन्यू एंड पावर ऑन बटन। एंड प्रोजेक्टर के पीछे की तरफ यहाँ पे जो पोर्ट्स है वो आपको देखने मिलते हैं USB Type A, फुल साइज HDMI, IR रिसीवर, 3.5mm का जैक, AV इन एंड DC पावर इन। सो गाइस, इन ऑल प्रोजेक्टर की बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया निकल के आते हैं। एंड जितने भी सारे रिक्वायर्ड पोर्ट्स है ना वो भी यहाँ पे आपको देखने मिलता है। प्लस गाइस यहाँ पे प्रोजेक्टर को आप वॉल माउंट भी कर सकते हो, प्लस कुछ इस तरीके से आप ट्राइपॉड पे भी इसे माउंट कर सकते हो। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट की, जो है इसका प्रोजेक्शन लेंस। सो यहाँ पे आपको आगे की तरफ इसका मेन लेंस देखने मिलता है, जहाँ पे उन्होंने LTPS डिस्प्ले टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है। एंड LTPS का मतलब है लो टेम्परेचर पॉलीसिलिकॉन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, जो बेसिकली हैंड प्रोजेक्टर्स में यूज होता है। एंड यहाँ पे आपको बजट प्रोजेक्टर में यहाँ पे उन्होंने ये चीज प्रोवाइड किया, जिसकी हेल्प से जो पिक्चर क्वालिटी है ना, या फिर जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, कलर एक्यूरेसी ना, वो बहुत ही बढ़िया निकल के आती है। गाइस, इसका जो प्रोजेक्शन साइज है वो आपको देखने मिलता है 40 इंच से लेके 150 इंच। एंड यहाँ पे आइडियली हमने 80 इंच का प्रोजेक्शन किया था, जहाँ पे हमें बहुत ही अमेजिंग ब्राइटनेस देखने मिल रही थी। एंड जो कंटेंट है ना बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल हो जाता है। एंड ब्राइटनेस की बात कर ही दी है तो इसके लूमेंस की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको 200 ANSI लूमेंस की ब्राइटनेस देखने मिलते हैं। सो गाइज, आइडियल कंडीशंस पे अगर आप रात के टाइम पे इस प्रोजेक्टर को चला रहे हो रूम के अंदर, तो उस केस में ना आपको इसकी ब्राइटनेस बहुत ही अमेजिंग देखने मिलती है। बट गाइज थोड़ी भी अगर रूम के अंदर लाइट होगी ना, तो ब्राइटनेस इतनी बढ़िया निकल के नहीं आती है। वैसे गाइस, प्राइस पॉइंट को कंसिडर करते हुए मैं बोल सकता हूँ ब्राइटनेस बहुत ही अच्छी निकल के आती है। एंड यहाँ पे इसका जो फोकस एडजस्टमेंट है ना वो आपको मैनुअल देखने मिलता है। ऊपर की तरफ यहाँ पे उन्होंने नॉब प्रोवाइड किया है, उसे रोटेट करते यहाँ पे जो फोकस है ना उसे आप एडजस्ट कर सकते हो। बट गाइज इसका एक ड्रॉबैक भी है, नॉब है ना काफ़ी लूज आपको देखने मिलता है। सो यहाँ पे उन्होंने बिल्ट इन स्पीकर प्रोवाइड किया है। सो जब भी स्पीकर के ऊपर कोई भी सॉन्ग प्ले होगा ना, तो यहाँ पे जो इसका नॉब है ना थोड़ा बहुत हिल जाता है, एंड फिर फोकस एडजस्टमेंट भी हिल जाती है। सो गाइज, ये मुझे एक छोटा सा इसका ड्रॉबैक लगा। एंड गाइस, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया ना, ये एक नॉन स्मार्ट प्रोजेक्टर है। सो बेसिकली जैसे आप इसे पावर ऑन करोगे ना, यहाँ पे आपको Wzatco की ब्रांडिंग देखने मिलती है। एंड यहाँ पे मेन मेन्यू में फोटोज, म्यूजिक, मूवीज, टेक्स्ट का उन्होंने मेन्यू प्रोवाइड किया है। नीचे की तरफ आपको सोर्स सिलेक्शन देखने मिलता है। एंड यहाँ पे सेटिंग्स का भी ऑप्शन उन्होंने प्रोवाइड किया है। सो गाइस, सेटिंग्स में आप क्या क्या चीजें यहाँ पे सेट कर सकते हो उसे हम थोड़ी टाइम में यहाँ पे चेकआउट करेंगे। बट गाइस, इस पर्टिकुलर नॉन स्मार्ट प्रोजेक्टर को आप एक स्मार्ट प्रोजेक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? तो यहाँ पे हमने फायर टीवी स्टिक 4K मैक्स इसके साथ कनेक्ट किया था। आप कोई भी बेसिक फायर टीवी स्टिक या फिर एंड्रॉइड टीवी स्टिक, गूगल टीवी स्टिक भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो यूजर इंटरफेस है ना, कुछ इस तरीके का आपको देखने मिलेगा। एंड यहाँ पे काफी ईजिली आप सारी चीजें इसमें ऑपरेट कर सकते हो। वैसे गई जो यूआई वाला पार्ट है ना, वो कंप्लीटली फायर टीवी स्टिक या फिर गूगल एंड्रॉइड टीवी स्टिक के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसके अंदर रैम कितना है। बट यहाँ पे फायर टीवी स्टिक बहुत ही स्मूथली इसके अंदर वर्क कर रहा था। ओवरऑल इंटरफेस में हमें कोई भी लैग महसूस नहीं हुआ। एंड यहाँ पे आप OTT प्लेटफॉर्म्स पे ना HD या फिर फुल HD कंटेंट है ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से वॉच कर सकते हो। नेटफ्लिक्स हो गया या फिर प्राइम वीडियोस। एंड गाइज आप सभी को पता है, कोई भी स्मार्ट टीवी स्टिक है तो उसके ऊपर है ना गेम्स का भी सपोर्ट आपको देखने मिलता है। तो यहाँ पे हमने बीच बगी रेसिंग गेम भी इसकी हेल्प से खेला। प्रोजेक्शन साइज बड़ी थी तो गेमिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ही अल्टीमेट निकल के आता है। एंड यस, ज़्यादातर लोग है ना यूट्यूब पे कंटेंट वॉच करते हैं, तो यहाँ पे हमने यूट्यूब भी ट्राई किया था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो फुल HD एट 60 FPS का कंटेंट बहुत ही अमेजिंगली आप यहाँ पे वॉच कर सकते हो। एंड गाइज यहाँ पे जब भी हम कंटेंट वॉच कर रहे थे ना, तो आप देख सकते हो जो कलर एक्यूरेसी है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, वो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। मतलब कोई भी केस में हमें ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे जो कलर एक्यूरेसी है ना इतनी बढ़िया निकल के नहीं आती है। बट गाइज उसकी भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सेटिंग्स का मेन्यू है ना, उसके अंदर आपको पिक्चर सेटिंग्स देखने मिलते हैं, जहाँ पे आप प्रोजेक्टर का ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे जो प्रोजेक्शन डायरेक्शंस है ना, उसे भी आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इसे वॉल माउंट किया है या फिर स्क्रीन के बैक साइड से आप अगर इसे प्रोजेक्ट कर रहे हो। प्लस यहाँ पे आपको कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट भी देखने मिलते हैं। सेकंड सेटिंग्स में यहाँ पे आपको साउंड सेटिंग्स देखने मिलते हैं, जहाँ पे आप डिफरेंट साउंड मोड्स इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हो आपके हिसाब से। प्लस गाइज आप साउंड को कस्टमाइज भी कर सकते हो, इक्विलाइज कर सकते हो। टाइमर का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने मिलता है। एंड फाइनल मेन्यू में यहाँ पे लैंग्वेज एंड सॉफ्टवेयर सिलेक्शन भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। एंड गाइज यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो जो प्रोजेक्शन का एस्पेक्ट रेशियो है ना, उसे भी आप चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। 16:9 हो गया या फिर 4:3। सो गाइज इन शॉर्ट है ना, ये बेसिक प्रोजेक्टर आप लगभग 7,000 रुपए की प्राइस में परचेस कीजिए। उसके साथ स्मार्ट टीवी स्टिक को कनेक्ट कीजिए एंड बन गया भाई आपका हैंड प्रोजेक्टर। एंड यस, एडिशनली यहाँ पे आपको बिल्ट इन 3 वॉट्स का स्पीकर भी इसके साथ देखने मिलता है। एंड यहाँ पे मैं एक सैम्पल वीडियो फुटेज प्ले करूंगा, जिसमें आप सुन सकते हो इसकी साउंड क्वालिटी को। सो गाइस, जो साउंड आउटपुट था ना, वो डिसेंट निकल के आता है। मतलब यार ओके बोल सकते हैं। एक स्मार्टफोन का जो साउंड है ना, वो भी काफ़ी क्रिस्प आपको सुनने मिलता है। बट इस भाई साहब का हाई साउंड पे हायर वॉल्यूम पे ना साउंड थोड़ा बहुत फट जाता है यहाँ पे। एंड कुछ वाइब्रेशंस भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, जो प्रोजेक्शन का ये जो फोकस एडजस्टमेंट नॉब है, वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे हिल जाता है, क्योंकि वो स्टर्डी फर्म ग्रिप के साथ आपको देखने नहीं मिलता है। सो स्पीकर डिसेंट निकल गया। एंड यस, अगर आपको बेटर साउंड एक्सपीरियंस करना है तो यहाँ पे आपको 3.5 mm का जैक भी देखने मिलता है, जिसकी हेल्प से आप एक्सटर्नल म्यूजिक सिस्टम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। एंड गाइज यहाँ पे HDMI पोर्ट की हेल्प से ना आप आपका लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकते हो। हमारे केस में यहाँ पे हमने विंडोज़ लैपटॉप कनेक्ट किया था, प्लस मैकबुक भी कनेक्ट किया था। एंड ओवरऑल जो प्रोजेक्शन है ना, यहाँ पे डिसेंट निकल के आता है। एंड फाइनली हम बढ़ते हैं यहाँ पे इसके रिमोट कंट्रोल की तरफ। तो काफ़ी बेसिक सा रिमोट कंट्रोल आपको देखने मिलता है, जहाँ पे उन्होंने मेन्यू, सोर्स, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन के कुछ कंट्रोल्स प्रोवाइड किए, जिसकी हेल्प से आप प्रोजेक्टर को कंट्रोल कर सकते हो। बट अगर आप स्मार्ट टीवी स्टिक यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो ना, तो बट ऑब्वियस यहाँ पे आपको स्मार्ट टीवी स्टिक का ही रिमोट कंट्रोल यहाँ पे यूज करना है। सो वैसे गाइस, वीडियो में हर एक एस्पेक्ट के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। प्राइसिंग में मैंने आपको बता दी 6,990 रुपीज़। 1 साल की वारंटी ज़ैक्टो कंपनी की तरफ से आपको देखने मिलती है। एंड मेरे हिसाब से गाइज वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्टर है। आपको बजट प्रोजेक्टर चाहिए एंड उसे स्मार्ट प्रोजेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो भाई ऊपर 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आपको स्मार्ट टीवी स्टिक पे इन्वेस्ट करना है। एंड लगभग 9,000 की प्राइस में, यार आपका 9-10 हज़ार की प्राइस में स्मार्ट प्रोजेक्टर यहाँ पे रेडी हो चुका है। सो गाइज बढ़िया डील है, परचेस करना है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वैसे आपको ये प्रोजेक्टर कैसे लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड गाइज बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।